नमस्कार, मैं हूं दिव्या बिहारी, न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 1 अक्टूबर। खबरों के बनने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। परिवहन विभाग का नया आदेश, आरसी और ड्राइविंग लाइसेंस में मोबाइल नंबर करे अपडेट, नियमों की अनदेखी पर होगी सख्त कार्रवाई। बिहार के 13 जिले बाढ़ से प्रभावित, 94 मीटर पहुंचा कोसी नदी का जलस्तर। मंत्री संतोष सुमन ने कहा, बाढ़ से निपटने की है पूरी तैयारी। अपने बच्चे का संपूर्ण टीकाकरण करवाएं, अब सप्ताह में 3 दिन लगेगा टीका। अधिक जानकारी के लिए ANM से करें संपर्क। राज्य के 27 जिलों में खुलेगा वृद्धाश्रम, जीविका दीदियां चलाएंगी नए वृद्धाश्रम। बुजुर्गों के लिए 50 से 60 बेड की होगी व्यवस्था। बिहार में उफनाई नदियों से टूटे 7 तटबंध, केंद्र से बाढ़ प्रबंधन योजना की दोहराई गई मांग। जानिए जल संसाधन मंत्री ने क्या कहा। बैंक से जुड़ा कोई कार्य हो तो जल्द निपटा ले। त्योहारों से भरा हुआ है अक्टूबर का महीना, अक्टूबर में इतने दिन रहेंगे बैंक बंद। भारत बांग्लादेश टेस्ट मैच चौथे दिन का खेल खत्म, भारतीय टीम को 26 रनों की मिली बढ़त। पांचवें दिन भारतीय गेंदबाजी पर होगी सभी की नजरें। अब चले बढ़ते हैं अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड ने ग्रुप बी और सी के पदों पर भर्ती निकाली है। ये भर्ती कुल 33 पदों के लिए है। इस भर्ती के तहत कई पद भरे जाएंगे। आवेदन प्रक्रिया शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 8 अक्टूबर है। इच्छुक उम्मीदवार इसकी आधिकारिक वेबसाइट cuj.ac.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों के पास अलग अलग पदों के लिए अलग अलग शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की गई है, जिसमें 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन शामिल है। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। परिवहन विभाग ने गाड़ी रजिस्ट्रेशन और ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े मोबाइल नंबर और पते को अपडेट न रखने पर कार्रवाई की चेतावनी दी है। सभी जिलों के जिला परिवहन पदाधिकारियों को इस दिशा में आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। विभाग ने बताया है कि DTO ऑफिस में मोबाइल नंबर अपडेट कराने की प्रक्रिया की जाएगी, जिससे लोगों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस में मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए अब आपको घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। आप इसे आसानी से ऑनलाइन parivahan.gov.in पर या sarthi.parivahan.gov.in पर जाकर कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हेल्प डेस्क नंबर 0612-254-7212 पर संपर्क कर सकते हैं। बिहार में हो रही लगातार बारिश के बाद कोसी और गंडक नदियों में अप्रत्याशित वृद्धि के चलते 13 जिलों में भयावह बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। इस बार कोसी नदी का जलस्तर 94 मीटर तक पहुंच गया है, जो पिछले सभी रिकॉर्ड को तोड़ता है। बाढ़ की समस्या पर आपदा प्रबंधन मंत्री संतोष सुमन ने कहा है कि स्थिति चिंताजनक है, लेकिन अभी तक बहुत अधिक भयावह नहीं है। संतोष सुमन ने यह भी कहा है कि बिहार और केंद्र सरकार पूरी मुस्तैदी से राहत और बचाव कार्य में लगी हुई है। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय भी स्थिति का जायजा लेने के लिए पहुंच चुके हैं। उन्होंने कहा है कि अभी जरूरत पड़ी तो सेना की मदद ली जाएगी, लेकिन अभी सेना की मदद लेने की स्थिति नहीं बनी है। बिहार में भूमि सर्वे के लिए रैयत को जमीन का दस्तावेज जमा करने का निर्देश दिया गया है। अब सर्वेक्षण टीम घर घर जाकर नक्शा से मिलान करेगी और पंचायत स्तर पर सर्वे रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाएगा। राजस्व विभाग ने नागरिकों से अनुरोध किया है कि वे अपने आवेदन पत्र के साथ रजिस्ट्री, वसीयत रसीद और खतियान की प्रतियां संलग्न करें। आवेदन को विभागीय वेबसाइट dlrs.com पर स्वयं या CSP केंद्र के माध्यम से अपलोड किया जा सकता है। यदि कोई अन्य कागजात बाद में प्राप्त होते हैं तो उन्हें अंचल सर्विस शिविर कार्यालय में आवेदन और मोबाइल नंबर के साथ जमा करने का निर्देश दिया गया है। राज्य के चिन्हित 1000 हेल्थ वेलनेस सेंटर पर अब सप्ताह में 3 दिन सोमवार, मंगलवार और गुरुवार को टीकाकरण किया जाएगा। बता दें कि BCG, हेपेटाइटिस बी, OVP, पेंटेवेलेंट, IPV, रोटावायरस, PCV, MRJE, DPT, TD, ये सभी प्रकार के टीके केंद्र पर उपलब्ध रहेंगे। अधिक जानकारी के लिए ANM एवं नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। अपना टीकाकरण कार्ड संभाल कर रखें और जब भी बच्चे को टीकाकरण के लिए ले जाएं, ये कार्ड साथ में जरूर ले जाएं। ये जानकारी हमें IPRD के जरिए दी गई है।
अगर आपका बैंक से जुड़ा कोई कार्य है तो जल्द से जल्द निपटा लीजिए, क्योंकि अक्टूबर का महीना त्योहारों से भरा हुआ है और इस दौरान 9 दिन बैंक बंद रहेंगे। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती और महालय अमावस्या के कारण बैंक बंद रहेगा। 6 अक्टूबर रविवार के चलते देश भर में बैंक बंद रहेंगे। 11 अक्टूबर को दशहरा, महाअष्टमी और दुर्गा पूजा के चलते बैंक बंद रहेगा। 12 अक्टूबर दूसरे शनिवार को दशहरा के अवसर पर बैंक बंद रहेंगे। 13 अक्टूबर रविवार के चलते बैंक बंद रहेंगे। 20 अक्टूबर रविवार के चलते फिर से बैंक बंद रहेंगे। 26 अक्टूबर महीने के चौथे शनिवार की वजह से बैंक बंद रहेगा। 27 अक्टूबर एक बार फिर से रविवार और 31 अक्टूबर दिवाली, काली पूजा और सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती के अवसर पर भी बंद रहेगा। बीते दिन बिहार में दशहरा के अवसर पर सुरक्षा को लेकर मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने पटना में महत्वपूर्ण बैठक की है। इस बैठक में सभी जिलों के डीएम और एसपी सहित अन्य आला अधिकारी शामिल हुए। मुख्य सचिव मीणा ने 2014 के पटना दशहरा हादसे को ध्यान में रखते हुए सभी डीएम और एसपी को अलर्ट रहने का निर्देश दिया है। उन्होंने भीड़ भाड़ वाले इलाकों में सादे लिबास में पुलिस फोर्स तैनात करने पर भी जोर दिया है और मूर्ति विसर्जन के रूटों पर सुरक्षा बढ़ाने की बात कही है। आपको बता दें कि 3 अक्टूबर 2014 को गांधी मैदान में रावण दहन कार्यक्रम के बाद हुई भगदड़ में 42 लोगों की जान चली गई थी। ये हादसा गेट बंद होने के कारण हुआ था। राज्य के 27 जिलों में अब वृद्ध आश्रम खुलने जा रहे हैं। जीविका दीदियां इन आश्रमों का संचालन करेंगी। बता दें कि वर्तमान में पटना के अलावे अन्य जिलों में वृद्ध आश्रम की कमी महसूस की जा रही थी, लेकिन अब मुजफ्फरपुर, सिवान, गोपालगंज, सहरसा, नालंदा और अन्य जिलों में इनकी स्थापना की योजना है। इन आश्रमों में 50 से 60 बुजुर्गों के रहने की व्यवस्था होगी और दंपति भी यहां रह सकेंगे। बुजुर्गों के खाने पीने का पूरा ख्याल रखा जाएगा, साथ ही मनोरंजन की सुविधा भी उपलब्ध होगी, जैसे कि टीवी और संगीत सिस्टम। जीविका दीदियों को इस काम के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना से किसानों को खेती पटवन करने में काफ़ी सहूलियत हो रही है। आप भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। आपको बता दें कि 7 निश्चय 2 के अंतर्गत हर खेती तक सिंचाई के पानी के तहत अब तक करीब 415 लाख कृषि विद्युत संबंध दिए जा चुके हैं। पटवन कार्य के लिए तय 6.74 रुपये प्रति यूनिट में से 6.19 रुपये प्रति यूनिट का अनुदान दिया जा रहा है, जिससे महज 55 पैसे प्रति यूनिट की दर से किसानों को बिजली आपूर्ति हो रही है। बिहार में बाढ़ से बिगड़ती स्थिति के बीच उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बीते दिन कोसी नदी पर एक उच्च क्षमता वाले डैम बनाने की मांग की है। उन्होंने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से मुलाकात कर इस संबंध में एक मांग पत्र सौंपा। चौधरी ने कहा कि इससे बिहार में बाढ़ के खतरे को कम किया जा सकेगा और जान माल के नुकसान पर विराम लगेगा। बता दें कि हाल ही में नेपाल में हुई भारी बारिश के कारण कोसी और गंडक नदी में 6 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिससे बिहार के 22 जिलों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। बीपीएससी ने 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस नोटिफिकेशन के तहत 18 अक्टूबर आवेदन करने की अंतिम तारीख है। एडिट करने का ऑप्शन नहीं होने की वजह से कई अभ्यर्थियों को आवेदन फॉर्म भरने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब इस मामले पर बिहार स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष छात्र नेता दिलीप का बयान सामने आया है। दरअसल ईटीवी के मुताबिक छात्र नेता दिलीप ने कहा है कि पिछले वर्ष जिन लोगों ने आवेदन किया था उनका डिटेल आयोग के पास है, लेकिन उनमें से कई लोगों की शादी हो चुकी है। पहले जहां रजिस्ट्रेशन में वो अविवाहित लिखते थे, अब उन्हें शादीशुदा करना है, लेकिन एडिट करने का ऑप्शन ही नहीं होने के कारण परेशानी हो रही है। उन्होंने बताया कि जिसका जाति प्रमाण पत्र नहीं बना था, उन्होंने सामान्य कोटी में अप्लाई किया था, लेकिन एडिट ऑप्शन नहीं होने से वे जाति के कोटी में अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। इस दौरान उन्होंने आयोग से मांग की कि आवेदन फॉर्म भरने के दौरान आयोग एडिट का ऑप्शन दे, जिससे इच्छुक अभ्यर्थी परीक्षा से वंचित ना रह जाए। आपको बता दें कि इस बार बीपीएससी ने बहुत बड़ी वैकेंसी निकाली है। इस भर्ती के तहत कुल 1957 पद भरे जाएंगे। गूगल ने अपनी मैप सर्विस में टाइम मशीन जैसा एक फीचर जोड़ा है। इसके माध्यम से आप बर्लिन, लंदन, पेरिस जैसे शहरों के विशेष स्थानों को 1930 के बाद से अब तक देख सकते हैं। ये फीचर बिल्डिंग, सड़क या किसी खास जगह को उसके निर्माण अवधि में दिखाने की क्षमता रखता है। इसे इस्तेमाल करने के लिए गूगल मैप्स या गूगल अर्थ पर जाएं, उस स्थान को सर्च करें जिसे आप देखना चाहते हैं, फिर लेयर्स ऑप्शन पर जाएं और टाइम लैप्स ऑप्शन को सक्रिय करें। इसके बाद आप उस जगह के अतीत में जाकर उसे देख सकते हैं। गूगल ने स्ट्रीट व्यू फीचर को भी अपडेट किया है, जिससे अब 280 अरब से ज़्यादा फोटो शामिल हैं।
नेपाल में भारी बारिश के कारण बिहार में उफनाई नदियों के कारण 7 जगह के तटबंध टूट चुके हैं। कोसी में 56 साल बाढ़ और गंडक में 21 साल बाद इतने अधिक पानी के दबाव के कारण ऐसी परेशानी सामने आई है। बिहार सरकार ने केंद्र सरकार से इस समस्या को देखते हुए मदद मांगी है। इस मांग के तहत बाढ़ प्रबंधन योजना को दोहराया गया है। इसके अलावा केंद्र से गंडक, कोसी और बागमती पर एक एक बैराज बनाने की मांग भी की गई है। वहीं जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी ने कहा है कि भविष्य में तटबंधों को और मजबूत व ऊंचा किया जाएगा। इस बाढ़ के अप्रत्याशित पानी को ध्यान में रखकर ही आगे की योजना बनाई जाएगी। उन्होंने बताया कि आगे कई दिनों तक ऐसी स्थिति बनी रहेगी। बिहार पर्यटन में आज हम बात करेंगे जहानाबाद की। ये बिहार का एक ऐसा जिला है जिसका नामकरण जहांआरा के नाम से हुआ था। इस जिले में कई धार्मिक स्थल और ऐतिहासिक स्थल हैं जहां आप घूमने जा सकते हैं। इस जिले में दावथू हुलासगंज है जहां ऐतिहासिक मंदिरों और प्रतिमाओं के अवशेष पाए गए थे। इसके अलावा बराबर की गुफाएं, हजरत बीबी कमाल का मकबरा, अमथुआ शरीफ और विष्णु मंदिर, कोको आदि पर्यटन स्थल देखने को मिल जाएंगे। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के 11वें चरण की समय अवधि में एक महत्वपूर्ण विस्तार किया गया है। अब इच्छुक आवेदक इस योजना का लाभ उठाने के लिए 15 अक्टूबर 2024 तक आवेदन कर सकते हैं। पहले ये तिथि 27 सितंबर निर्धारित की गई थी, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और परिवहन सुविधाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसे बढ़ाया गया है। परिवहन विभाग मंत्री शीला मंडल ने बताया कि इस योजना के तहत शेष 12,500 रिक्तियों को जिलावार निकाला गया है। परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने सभी जिलों के जिला अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे 100% आवेदन प्राप्त करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करें। हाल ही में खान एवं भूतत्व विभाग ने कई कार्य विभागों के निर्माण कार्य में लघु खनिजों की खरीद में गड़बड़ी की आशंका जताई है। बता दें कि प्रदेश सरकार ने इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए इसकी जांच का निर्णय लिया है। अधिकारियों का कहना है कि विभिन्न विभागों को सप्लाई किए जाने वाले लघु खनिजों के चालान में धांधली हो रही है, जिससे सरकारी खजाने को नुकसान हो रहा है। सरकार ने सभी संबंधित कार्य विभागों को निर्देश दिए हैं कि वे बालू और गिट्टी के अलग अलग चालान जारी करें ताकि इनकी खरीद में पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके। अगर गड़बड़ी पाई गई तो संबंधित संवेदक के खिलाफ न केवल जुर्माना लगाया जाएगा बल्कि दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। राज्य सरकार ने पुस्तकालयों में बच्चों की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए छात्र पुस्तकालय परिषद का गठन करने का निर्णय लिया है। इस परिषद में कक्षा 4वीं और उससे ऊपर के छात्रों को शामिल किया जाएगा। इसके तहत प्रत्येक विद्यालय में पुस्तकालय प्रबंधन समिति का भी गठन किया जाएगा, जिससे प्राचार्य, नोडल शिक्षक और विभिन्न विषयों के शिक्षक शामिल होंगे। ये समिति पुस्तकालय को सभी छात्रों की आवश्यकताओं और रुचियों के अनुसार विकसित करेगी। इसके साथ ही पुस्तकालय में पढ़ने की आदत डालने के लिए विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों के लिए कहानी सुनाने और चित्र दिखाने की गतिविधियाँ आयोजित की जाएंगी। अधिक बारिश के कारण बिहार में कोसी, गंडक, बागमती नदी उफान पर है। प्रदेश सरकार लगातार बाढ़ को लेकर अलर्ट जारी कर रही है। कई तटबंध टूट चुके हैं। आज प्रदेश में कुछ जगहों पर बारिश की संभावना जताई गई है। हालांकि किसी तरह की चेतावनी मौसम विभाग द्वारा नहीं मिली है। आज प्रदेश में अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री और कुछ जगहों पर 32 से 34 डिग्री रहने की संभावना है। वहीं न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री रहने की बात कही गई है। बिहार में शराबबंदी के बावजूद अवैध शराब तस्करी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। राजधानी पटना में हाल ही में एक बड़ी तस्करी का मामला सामने आया। उत्पाद विभाग की टीम ने कुरियर कंपनी के बैग में छिपाई गई शराब की बोतलों के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनमें हाजीपुर निवासी संतोष कुमार, बिहटा निवासी नंदन कुमार और नालंदा निवासी प्रीतम कुमार शामिल हैं। आसपास के लोगों से मिली जानकारी के आधार पर उत्पाद विभाग ने कार्रवाई करते हुए इनोवा कार से 2051 बोतल विदेशी शराब जब्त किए हैं। राजद नेता तेजस्वी यादव ने 1 अक्टूबर को सभी प्रखंड मुख्यालयों पर एक दिवसीय धरने का आह्वान किया है। इसी क्रम में बीते दिन कांग्रेस ने भी स्मार्ट मीटर के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए जोरदार नारेबाजी की। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष सरदार गुरजीत सिंह ने आरोप लगाया है कि नीतीश सरकार पूंजीपतियों के हित में काम कर रही है और आम जनता का शोषण कर रही है। उन्होंने कहा कि बिहार में स्मार्ट मीटर लगने से लोगों को पहले से अधिक बिजली बिल का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि 1 अक्टूबर को राजद का धरना और 2 अक्टूबर को कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन शुरू होगा, जिसमें सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन किए जाएंगे।
केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बीते रात कोसी क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित लोगों का जायजा लिया। इस अनुभव के आधार पर वे पीएम मोदी को एक रिपोर्ट सौंपेंगे। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि बिहार में बाढ़ की मॉनिटरिंग राज्य के साथ केंद्र की सरकार भी कर रही है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने खुद इसकी समीक्षा की है। विपक्ष की तरफ से बिहार में बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा घोषित किए जाने की मांग पर कहा है कि विपक्ष के नेता को पहले जमीन पर जाना चाहिए। राज्य में बाढ़ आया हुआ है और इनके नेता यहां है ही नहीं, वे देश से बाहर है। भारत और बांग्लादेश के बीच दूसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन बांग्लादेश ने अपनी दूसरी पारी में 2 विकेट पर 26 रन बना लिए हैं। भारतीय टीम को पहली पारी में 26 रनों की बढ़त मिली है। बांग्लादेश ने 107 3 से इसकी शुरुआत की, लेकिन उनकी पहली पारी 233 रन पर समाप्त हुई, जहां मोमिनुल हक ने 107 रन बनाए। भारत की ओर से जसप्रीत बुमराह ने 3 विकेट लिए। भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी 285/9 पर घोषित की, जिसमें यशस्वी जायसवाल ने 51 गेंदों पर 72 रन की तेज पारी खेली। बांग्लादेश ने साकिब अल हसन और मेहदी हसन मिराज ने 4-4 विकेट चटकाए। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन भारत में वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाते हैं। आज के दिन वर्ष 1854 में भारत में डाक टिकट का प्रचलन आरंभ हुआ था। आज के दिन वर्ष 1953 में आंध्र प्रदेश अलग राज्य बना था। आज के दिन वर्ष 1967 में भारतीय पर्यटन विकास निगम की स्थापना हुई थी। आज के दिन विवाह की न्यूनतम उम्र को बढ़ाया गया था। आज के दिन वर्ष 2002 में एशियाड खेलों में स्नूकर प्रतिस्पर्धा में भारत को पहला स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ था। आज के दिन वर्ष 2003 में नदियों को जोड़ने के संबंध में बांग्लादेश की आशंकाओं को भारत ने दूर किया था। व्हाट्सएप पर इन दिनों एक मैसेज वायरल हो रहा है। इस वायरल मैसेज में दावा किया जा रहा है कि भारत सरकार ने नागरिकों को कोल्ड ड्रिंक से बचने के लिए सलाह दी है, क्योंकि इसके कारण इबोला वायरस होने का खतरा है। लेकिन आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा ऐसी कोई एडवाइजरी जारी नहीं की गई है। ये मैसेज फर्जी है। इस तरह के मैसेज को फॉरवर्ड करने से बचे। PIB फैक्ट चेक ने भी इस खबर को शेयर करते हुए फर्जी बताया है। पंजाब नेशनल बैंक ने 1 अक्टूबर 2024 से अपने नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, जो ग्राहकों पर भारी पड़ सकते हैं। बता दें कि सेविंग अकाउंट्स के सर्विस चार्ज में बदलाव किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में मिनिमम बैलेंस 500 रुपये जरूरी किया गया है। अगर आपके खाते में मिनिमम बैलेंस नहीं रहेगा तो आपको शुल्क चुकाना पड़ेगा। इसके अलावा मिनिमम बैलेंस 50% से कम रहने पर चार्ज पड़ेगा। डिमांड ड्राफ्ट बनवाना भी अब महंगा होगा। नियमों के बदलाव होने पर सेविंग अकाउंट में पैसे नहीं होने की स्थिति में कोई चेक वापस लौटता है तो 300 रुपये प्रति चेक की दर से पैसे देने होंगे। इसके साथ ही लॉकर रेट नियम में बदलाव किए गए हैं। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसके जवाब बताएंगे जो कि BPSC, बिहार पुलिस, दरोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया है हमें कॉमेंट में लिखकर जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, हाल ही में किसे हैदराबाद स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकेडमी का प्रमुख नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है आलोक नाथ, ऑप्शन बी है समीर कुमार, ऑप्शन सी है अमित गर्ग, ऑप्शन डी है रणदीप सिंह। इसका सही उत्तर अमित गर्ग। हाल ही में किसे 2024 के एकलव्य पुरस्कार के लिए चुना गया है? ऑप्शन ए है रजनी ठाकुर, ऑप्शन बी अमृता राव, ऑप्शन सी है प्रत्याशा रे, ऑप्शन डी है संजना बत्रा। इसका सही उत्तर है प्रत्याशा रे। हाल ही में कौन भारत से हथियारों का सबसे बड़ा आयातक बनकर उभरा है? ऑप्शन ए आर्मेनिया, ऑप्शन बी यूक्रेन, ऑप्शन सी है पोलैंड, ऑप्शन डी है चीन। इसका सही उत्तर है आर्मेनिया। मुंगेर में 1930 के नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए है श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन बी है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी है रामवृक्ष बेनीपुरी, ऑप्शन डी है रामानंद मिश्रा। इसका सही उत्तर है श्री कृष्ण सिंह। डोलोमाइट के लिए बिहार का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है रोहतास, ऑप्शन बी है गया, ऑप्शन सी है औरंगाबाद, ऑप्शन डी है मुंगेर। इसका सही उत्तर है रोहतास। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब देने के नाम है नुनू गोलू कुमार, राजकिशोर महतो, रंजन सिंह, राजीव कुमार, नितेश कुमार गुप्ता, शिव शक्ति, मोतीलाल कुमार, रंजीत कुमार, भरत प्रसाद, प्रदीप पंडित, अंशु कुमारी, राजीव कुमार, अंकित कुमार, मोहम्मद चांद, सोनी कुमारी, अशोक कुमार, छोटू राजा, राजन कुमार, संजीव कुमार, रंजन सिंह, राकेश मिश्रा, मोहम्मद साबिर। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है,
आपके मुताबिक बिहार को बाढ़ से बचाने के लिए क्या क्या कदम उठाए जाने चाहिए? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लेकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना, अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।